तो पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है और देश पर इस संक्रांति का कितना असर पड़ेगा और ये बताने के लिए हमारे साथ अभी भी पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, अगर देश की बात करें, सूर्य प्रवेश कर रहा है मकर राशि में, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, अगर देश की बात करें तो किस तरीके का असर देश की राजनीति पे, देश की स्थिति पे पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, यहां तक राजनीति और देश की परिस्थिति की बात करें तो भारतवर्ष की हम कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो छठे घर को, नवें घर को और ग्यारहवें घर को, दसवें घर को देखते हैं। नवा घर जो है वो कैरियर हाउस है, दसवां घर जो है वो कर्म स्थान है। तो ऐसा कह लीजिए कि भारतीय अर्थ जगत में, यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार गिरावट आती हुई दिखाई देगी। कम से कम अगले 12 फरवरी तक मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहेगी, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। राजनीति की बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं, जब सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर राशि से वो कर्क राशि को देखता है। इसको आपने अभी आपके रिपोर्ट में देखा है कि इसको कर्क रेखा से पार करते हुए दिखाया गया है। तो कर्क राशि, इसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, तुला संक्रांति भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन जो प्रभाव है कर्क लगन वाले लोगों के ऊपर, तुला लगन वाले, तुला राशि वाले लोगों के ऊपर पड़ता है।